नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, ग्रुप में सूचना दी गई थी कि आज हमारा जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और GS, इन तीनों के क्वेश्चन जो है वो 50 रहेंगे। ठीक है, इन तीनों के मिलाकर के 50 क्वेश्चन रहेंगे और टाइम आपका ज़्यादा से ज़्यादा 45 से 50 मिनट रहेगी। ठीक है, तो ये जो 50 क्वेश्चन होंगे इसमें हम आप लोगों को 150 क्वेश्चन की तरह पढ़ाएंगे। ठीक है, आप लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे 150 क्वेश्चन तैयार करने के लिए, क्योंकि आज कुछ अलग पढ़ाएंगे हम आपको। ठीक है, डेली से अलग आज पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे यहाँ पे, जिससे कि आप लोग बहुत सारी चीज़ें नोट कर सकें। ठीक है, आज एक अलग अंदाज में हम आपको पढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको क्लास में याद कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर वाले जो होते हैं वो केमिस्ट्री उनकी थोड़ी वीक होती है, तो शुरुआत हम केमिस्ट्री से ही करेंगे और एक एक करके हम सारी चीज़ें जो है बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसे ही कवर करते चलेंगे हर एक क्लास में। ठीक है, जैसे अब आप लोगों को पता ही होगा ये Super 20 बैच हमारा चल रहा है, जिसमें 20 बच्चों का सिलेक्शन कराना हमारा टारगेट है। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, उसके बाद बीच में आपको क्लास शेयर करने के लिए नहीं बोला जाएगा, आप लोग क्लास को शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आप लोग यहाँ पे जितने भी देर क्लास होगी, 45 मिनट के लगभग क्लास होगी, तो वहाँ पे आप लोग जुड़े रहेंगे, जिससे कि आपके 150 के लगभग क्वेश्चन तैयार हो जाएं और आप लोग बताएंगे कि जब हम डेली जैसे पढ़ाते थे वैसे पढ़ाएं या फिर आज जैसा पढ़ाएंगे वैसा पढ़ाएं। ठीक है, ये चीज़ आपको लास्ट में बतानी है। ठीक है, क्योंकि आज हमने कुछ अलग हटके पढ़ाने के लिए आप सोचा है, तो आज आप पूरी क्लास देखेंगे और पहले तो आप लोग देखते ही आ रहे हैं, तो आप लोग लास्ट में हमें बताएंगे कि हम आज जैसा पढ़ाया है वैसा पढ़ाएं या फिर रोज़ जैसा पढ़ाते हैं वैसा पढ़ाएं। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, ताप बढ़ने में इनमें से क्या बदलेगा, ताप बढ़ने में इनमें से क्या बदलेगा, मोललता, मोलरता, भार प्रतिशत या फिर तुल्यांकी भार। तो ताप बढ़ने में 10 सेकंड केवल आपके लिए मिलेंगे और कुछ लोग इसका PDF मांगते हैं, कुछ लोग नए जुड़ जाते हैं, तो वो लोग हमारी एक बात सुन लेंगे यहाँ पे। जो लोग नए चैनल पर जुड़ते हैं वो लोग हमारी जो टाइम टेबल वाली वीडियो है वो देख लेंगे, कल या परसों में जो हमने वीडियो एक अपलोड की थी परसों, वो वीडियो देख लेंगे, तो उसमें हमने PDF के बारे में सब कुछ बता दिया है। ठीक है, जो लोग नए जुड़ गए हैं वो एक बार और सुन लेंगे। PDF आपको हमारे WhatsApp नंबर पर मैसेज कर दी है, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगी, WhatsApp नंबर आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो ताप बढ़ने में इनमें से क्या बदलेगा, मोलरता बदलती है। ठीक है, ताप बढ़ने में मोलरता बदल जाती है। ठीक है, अब आप लोग कॉपी अगर लिए बैठे हैं तो यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेंगे, मोलरता होती क्या है। ठीक है, मोलरता क्या होती है, यहाँ पे हम आपको जो क्वेश्चन सही होगा उसके बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा उसके बारे में जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, वो सभी यहाँ पे हम आपको तैयार कराएंगे। ठीक है, तभी हमने आपसे बोला है शुरुआत में कि आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सीरियस स्टूडेंट हमारे पास जुड़े हुए हैं, बहुत लोग अपने नोट्स वगैरह बना रहे हैं, तो हमने सोचा है क्यों ना कुछ अलग किया जाए अब, क्योंकि हम सीधा सीधा आंसर आपको लगा करके आगे बढ़ जाते थे। ठीक है, तो उससे टाइम की थोड़ी बचत होती थी, लेकिन अब यहाँ पे जैसे आपका मोलरता क्वेश्चन इसका आंसर हो गया मोलरता। ठीक है, अब मोलरता के बारे में जो भी बातें हैं वो आप लोग जान लेंगे, बाय चांस इसके बारे में कुछ और आपसे पूछ लिया जाए तो मोलरता क्या होती है, किसी बिलियन में विलेय की मात्रा जो मापी जाती है, आप लोग नोट करिए, किसी बिलियन में विलेय की मात्रा बताने वाला एक माप है, किसी बिलियन में विलेय की मात्रा, आप लोग समझ रहे होंगे ना, किसी बिलियन में किसकी मात्रा, जो बिलियन है इसमें विलेय की मात्रा। ठीक है, किसी बिलियन में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि किसी बिलियन में विलेय की मात्रा बताने वाला एक माप कौन सा है, मोलरता है, मोलरता है, भार प्रतिशत है या तुल्यांकी भार है, तो आप लोग क्या लगाएंगे, मोलरता। एक बार और सुन लेंगे अगर नहीं सुन पाया है तो, किसी बिलियन में विलेय की मात्रा बताने वाला एक माप होता है मोलरता। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे एक बार पूछा गया था इसलिए ऐसे बता दिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से किसकी खोज हुई है, ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर नाभिक या फिर न्यूट्रॉन। तो 10 सेकंड केवल आपके लिए और इसका आंसर फिर हम लगाएंगे यहाँ पे। तो रदरफोर्ड के परमाणु से किसकी खोज हुई है, नाभिक की खोज हुई है। ठीक है, किसकी खोज हुई है, नाभिक की खोज हुई है, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाभिक। ठीक है, तो अब नाभिक में आप लोग समझ लेंगे, नाभिक में क्या क्या पाए जाते हैं, नाभिक जो होता है इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, तो इसमें
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें उपस्थित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, इसके बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे ना कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से किसकी खोज हुई है, तो नाभिक की खोज हुई है। ठीक है, आप लोग पूरा कंसंट्रेट होके सुनते रहेंगे। ठीक है, कोई अगर बच्चा छूट जाएगा नोट करने में तो वो लोग पीछे वीडियो देख लेंगे। ठीक है, पीछे वीडियो करके और देख लेंगे आप लोग। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से किसकी खोज हुई है, तो नाभिक की खोज हुई है। अब नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नाभिक में क्या क्या उपस्थित रहता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें उपस्थित रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, पी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अभी हम आपकी दो बार अटेंडेंस लेंगे इस क्लास में, जो दोनों बार प्रेजेंट रहेंगे उनको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, सुबह की क्लास की पीडीएफ और कल की दोनों क्लास की पीडीएफ सभी लोगों तक पहुंच चुकी है। ठीक है, तो पी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना एस पी डी एफ के बारे में, एस पी डी और एफ, इनके बारे में आप लोग पढ़ा होगा। तो आप लोगों को बताया गया होगा कि एस में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एस में दो और पी में छः, नोट करते रहिए आप लोग, एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, दो, पी में छः इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, और डी में कितने भरे जा सकते हैं, तो दस, और एफ में कितने भरे जा सकते हैं, तो चौदह। ठीक है, आप लोग नोट करते रहिए। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो छः इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एफ कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, एस पी डी एफ के बारे में आपने जब अफवाह का नियम पढ़ा होगा तब वहाँ पे आपको बताया गया होगा। ठीक है, जब अफवाह का नियम आप लोग पढ़े होंगे तब वहाँ पे आपको बताया गया होगा। और एक क्वेश्चन और नोट कर लेंगे कि जो अफवाह का नियम होता है वो किस किस पर लागू नहीं होता है। हमने ये चीज़ आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बाई चांस हम अपनी थ्योरी क्लास कवर नहीं कर पाए, शुरू नहीं कर पाए, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हम यहीं पे देने की कर देंगे। ठीक है, जो टेस्ट हम करा रहे हैं यहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को नोट करने की, नोट करवाने की कोशिश करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। तो अफवाह का नियम के अपवाद कौन कौन से हैं, क्रोमियम और कॉपर। ठीक है, क्रोमियम और कॉपर, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जो 24 होता है, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 29 होता है। ठीक है, अभी हम आपको अगले क्वेश्चन में इसको भर के भी दिखाएंगे। ठीक है, कैसे कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर कितना हो गया था, 6, एस पी डी एफ। ठीक है, निम्न में आइसोटॉनिक क्या होता है, तो ये क्वेश्चन अभी आप लोग छोड़ देंगे, इसको बाद में देखेंगे, ये देखेंगे आप लोग। ठीक है, इसमें आज आपके दो क्वेश्चन हम छोड़वाएंगे, यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन है उसमें दो क्वेश्चन आपके छोड़ दिए जाएंगे, वो अगले टेस्ट में कराएंगे, क्योंकि सभी चीज़ आप लोग एक ही दिन में नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम आज आपकी जो वीडियो चल रही है इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे, आप लोग लास्ट तक अगर जुड़े रहेंगे तो खुद ही आपको मालूम पड़ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड वगैरह ये सब कुछ आप आज आपको सिखाया जाएगा, जैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो Fe2+ के डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, अब Fe का जब आप लोग कुछ लोग जानते होंगे यहाँ पे निकालना तो अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग सीख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोग एक चीज़ नोट करिए, यहाँ पे एस के लिए कितने कक्षक होते हैं, तो एक यहाँ पे डब्बा बनाया जाता है, आप लोग ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, और पी के लिए कितने डब्बे बनाए जाते हैं, तो तीन डब्बे पी के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, और एस पी डी, डी के लिए कितने डब्बे बनाए जाते हैं, तो पाँच डब्बे इसके लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, पाँच डब्बे एस पी डी, और एफ के लिए कितने बनाए जाते हैं, तो सात डब्बे जो है वो एफ के लिए बनाए जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये किसके लिए है, तो ये एफ के लिए है। ये चीज़ ऐसी कि ऐसी आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग ये नोट करेंगे कि एस में हम लोग कितने डब्बे बनाते हैं, तो एक बनाते हैं, पी में कितने बनाते हैं, तो तीन बनाते हैं, और डी में कितने बनाते हैं, तो पाँच बनाते हैं। ठीक है, और एफ में कितने बनाते हैं, तो हम लोग सात डब्बे बना लेते हैं। ठीक है, अब एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, एक ऊपर की दिशा में भरा जाता है, एक नीचे के। ठीक है, मतलब एक जो होता है, एक जो डब्बा बना होता है इसमें दो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, जैसे मान लीजिए किसी में चार इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले एक एक करके सब में ऊपर भर दिया जाएगा। ठीक है, एक एक करके सब में ऊपर भर दिया जाएगा, फिर अगर बच गया, जैसे चार थे तो इसमें पहले वाले डब्बे में दो भर दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो पी होता है इसमें कितने, छः इलेक्ट्रॉन। ठीक है, छः, हमने आपको बताया नहीं था एस पी डी एफ में, तो वो ही है यहाँ पे, 2, 6, 10 और 14। ठीक है, अब इनमें इलेक्ट्रॉन तो आप लोग समझ ही गए होंगे ना,
जब एस में एक डब्बा बनेगा तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, और पी में 3 खान डब्बे बनेंगे तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। एस पी डी में अगर 5 जो डब्बे बनेंगे तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, और एफ में अगर 7 डब्बे बनेंगे तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, क्योंकि एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन आपका भरा जाता है। अब यहाँ पे एफ ई टू प्लस के बारे में आप लोग देखेंगे, सुबह एक लोग कमेंट कर रहे थे कि आप लोग आप जो है टाइम बहुत बर्बाद करते हैं हमारा, तो अब क्या बताएं उनके लिए, यहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं हो रहा है, आपको चीज़ें सिखाई जा रही हैं, ठीक है। एफ ई टू प्लस के डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, अब एफ ई का आप लोगों को एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, जो आयरन होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 एटॉमिक नंबर होता है इसका। अब पहले आप लोग 26 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे अफवाह के नियम के अनुसार, ठीक है। अफवाह का नियम आप लोग अगर नहीं पढ़ें तो आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आपको अलग से उसको पढ़ा देंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, कितने हो गए, 2, 4, 4 और 6, 10, 10 और 2, 12 और 6, 18। अब 3p6 के बाद आप लोग 4 पे आएंगे, 4s पे, ठीक है। s में कितने होते हैं, 2 होते हैं, 18 और 2, 20 हो गए, और आपके 6 बचे तो 3d, 3p के बाद अब 4s2 आ गया, आप 3d 6, ठीक है, 6 ही तो बचे हैं ना, 2, 2, 4 और 6, 10, 10, 8, 18, 2, 20 और 6, 26। ये तो आपका हो गया एफ ई का, ठीक है, ये किसका है, एफ ई का। अब यहाँ पे आप लोगों को 2 प्लस भी लगाए ना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल गए हैं, प्लस अगर लगता है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और माइनस अगर चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालेंगे, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वो किस में से निकलते हैं, एस में से या फिर डी में से निकालेंगे आप लोग, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो होता है एस में से निकलेगा, उसके बाद पी में से निकलेगा, उसके बाद डी में से निकलेगा। तो यहाँ पे एस के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे आप तो क्या बचेगा, 4s0, ठीक है, और 3d6। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था, आप लोग ये नोट कर लीजिए, 4s0 और 3d6 आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि Fe2+ के डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, डी कक्षक पूछा है तो डी में कितने आ रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो आप लोग कमेंट करेंगे, एक बार पीछे बैक करके वीडियो देख लीजिए तो समझ जाएंगे, अगर तब भी नहीं समझ रहे हैं तो आप लोग लास्ट में जब वीडियो ख़त्म होगा ऑफलाइन कमेंट करके बताएंगे कि नहीं समझ में आया, तो आप लोगों को अलग से बता दिया जाएगा, ठीक है। अब ये क्वांटम संख्याएं हम आपको कल सिखा, जो अगला हमारा टर्न होगा उसमें सिखाएंगे, क्योंकि 4 प्रकार की आपकी क्वांटम संख्याएं होती हैं, तो चारों के यहाँ पे मान दे रखे हैं, ये आप लोग एक दिन में सब कुछ नहीं समझ सकते, इसलिए आपको ये क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, अगले टर्न में ये क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। अब आगे के सभी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है इनमें से, इनमें से सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व इनमें से कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है, तो आप लोग बताएंगे, यहाँ पे 10 सेकंड आपके लिए रहते हैं, आप लोगों को अगर आता है तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक विद्युत तत्व यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, विद्युत ऋणात्मकता या फिर विद्युत ऋणी तत्व, इसको किसको बोलते हैं, किसी भी अणु में परमाणु के द्वारा जो बाह्यतम कोष होता है उसमें इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होती है, ठीक है, मतलब किसी अणु में जो परमाणु के द्वारा, किसी अणु में परमाणु के द्वारा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को, जो बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन होता है अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अब विद्युत ऋणात्मकता सबसे जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व इसमें कौन सा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सभी लोग ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो याद करते रहेंगे। आपसे पूछा जाता है कि जो आपकी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व कौन सा होता है, तो फ्लोरीन होता है, और सबसे कम विद्युत ऋणी तत्व कौन सा होता है, ये आप लोग नोट कर लेंगे, सबसे कम विद्युत ऋणी तत्व कौन सा होता है, तो सीजियम होता है, ठीक है, CS को डिनोट करते हैं, CS, CGM, ठीक है। तो ये आपका सबसे ज़्यादा, ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सबसे जो सर्वाधिक होता है विद्युत ऋणी तत्व कौन सा होता है, तो फ्लोरीन होता है, और सबसे कम जो विद्युत ऋणी तत्व होता है वो कौन सा होता है, सीजियम होता है, ठीक है। एक चीज़ आप लोग और नोट कर लेंगे, जो पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल होता है इसमें 2 चीज़ें होती हैं ना, एक पीरियड होता है, एक ग्रुप होता है। पीरियड क्या होता है, बाएँ से दाएँ जिसमें हम लोग जाते हैं, ठीक है, और जो ग्रुप क्या होता है, ऊपर से नीचे, ठीक है। 2 तरह से आप लोग पीरियोडिक टेबल में घूम सकते हैं ना, एक तो ऐसे चल सकते हैं जो बाएँ से दाएँ हो गया, एक ऊपर से नीचे आ सकते हैं। तो जब आप लोग बाएँ से दाएँ जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। इधर से इधर जाएंगे, मतलब आप लोग नोट कर लीजिए कि पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणी का जो
लक्षण होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2019 में, 2019 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। वहाँ पे बोला गया था, क्या बोला गया था कि पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, तो इसमें आपका विद्युत धड़ी का जो लक्षण होता है वो बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है, बढ़ता है। ठीक है, और नीचे जाने पर ग्रुप में क्या होता है, ये घटता है। ठीक है, विद्युत धड़ी का जो ऋणात्मकता होती है वो घटती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, चार क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों के जो है क्लियर हो गए। आप लोगों से पूछा जाए कि सर्वाधिक विद्युत धड़ी तत्व कौन सा होता है, तो फ्लोरीन होता है। सबसे कम विद्युत धड़ी तत्व कौन सा होता है, तो सीजियम होता है। अब दो क्वेश्चन क्या है कि आप लोग जब पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं, क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया था 2018 में कि 2018 या 19 में कहीं पूछा गया था कि पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ती उसका मान बढ़ता है, घटता है या स्थिर रहता है। तो बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, और ऊपर से नीचे मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत जो ऋणात्मकता होती है उसका मान घटता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका आकार सबसे छोटा है, इनमें से सबसे छोटा जो है वो किसका आकार होता है, तो ये भी आप लोग नोट करेंगे। जो सबसे छोटा आकार इसमें किसका हो जाएगा, फ्लोरीन का हो जाएगा। जो F- है इस पर एक चार्ज बना हुआ है, इसमें कैसे हो जाएगा, आप लोग जो इसको कैसे निकाल सकते हैं, आकार जो है वो पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, आप लोग नोट करते रहिए, आज बहुत कुछ आपको मिलने वाला है क्लास में। जो लोग सीरियस स्टूडेंट हैं उनको बहुत कुछ मिलेगा, और जो लोग ऊपर ऊपर पढ़ के निकलना चाहते हैं वो लोग यहाँ से जो है एक एक करके कम भी होते जा रहे हैं। क्लास में जो है स्टूडेंट की संख्या कम भी होती जा रही है, कुछ बीच में निकल भी जाते हैं। तो जो लोग यहाँ पे सीरियस कैंडिडेट हैं वो लोग इन सब चीज़ों के लिखते चलेंगे। ठीक है, जितनी भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं आज, वो सब चीज़ आप लोग नोट करते चलेंगे। निम्न में किसका, क्योंकि ये जो सीरीज चल रही है वो सुपर 20 नाम से चल रही है, जिसमें 20 लड़कों का या 20 बच्चों का ही केवल सिलेक्शन कराने का उद्देश्य है, और जो ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े रहेंगे उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, इसमें से सबसे छोटा आकार किसका है, तो आप लोगों को दो चीज़ें याद रखनी होंगी, फिर आपका कोई भी तत्व यहाँ पे दे रखा हो चारों के अलावा आप लोग उसको लगा सकते हैं। सबसे छोटा आकार जो है वो किसका होता है, पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर आकार कम होता जाता है। ठीक है, पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर, पीरियड को हिंदी में क्या बोलते हैं, आवर्त। ठीक है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो है किसी भी तत्व का मान कम होता जाता है। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लिए, नोट कर लिए होंगे आप लोग, नहीं किए हैं तो एक बार और सुन लें। किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व का मान कैसा होता है, कम होता जाता है, और नीचे जाने पर वर्ग में कैसा होता है, तत्व का मान बढ़ता जाता है। ठीक है, ये भी चीज़ नोट कर लीजिए, नीचे जाने पर क्या होता है, तत्व का जो है आकार बढ़ता जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए फ्लोरीन कैसे इसका राइट आंसर हो गया, तो आप लोगों को पता होगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन। ठीक है, ऐसा ही तो है ये आपका ग्रुप, जो पहला आपका पीरियड है ना, पहला आपका जो पीरियड है क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम वाला हो गया। दूसरा क्या है, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियॉन। तो हम लोग इधर से इधर बढ़ रहे हैं ना, तो इधर से इधर जब हम लोग बढ़ रहे हैं तो इसका मान कम होता जा रहा है, तो सबसे कम किसका हो गया, फ्लोरीन का हो गया। ठीक है, फ्लोरीन का सबसे कम यहाँ पे मान हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, आप लोग समझ रहे होंगे सब चीज़। निम्न में किस यौगिक में अष्टक पूरा नहीं होता है, तो अष्टक तो आप लोगों को पता होगा ना कि 2, 8, 8, 18, 18, 32 करके होता है ना, तो ये तो आप लोग सभी लोग निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा यौगिक रेखीय होता है, लीनियर यौगिक कौन सा है, इसमें लीनियर यौगिक रेखीय यौगिक इसमें कौन सा है, निम्न में कौन सा यौगिक रेखीय होता है मतलब लीनियर होता है। सभी लोग अगर क्लास को अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो निम्न में कौन सा यौगिक रेखीय है, कौन सा यौगिक रेखीय है, इसमें आप लोग एक ट्रिक है उसको याद कर लेंगे, इनमें रेखीय तत्व कौन सा है वो आप लोग याद कर लेंगे। आप लोगों ने बॉन्ड एंगल के बारे में पढ़ा होगा ना, जो बॉन्ड बंद कोण होता है ना उसके बारे में पढ़ा होगा, तो जो है आपने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा है ना, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मतलब संकरण क्या होता है वो भी पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग यहाँ पे एक एक करके नोट कर लीजिए। ठीक है,
जो एसपी संकरण होता है, जो एसपी संकरण, यहाँ पे आप लोग ऐसे करेंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे संकरण, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए संकरण, आप लोग लिखते रहिए, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए संकरण, यहाँ लिख लीजिए बंद कोण, ठीक है, बंद कोण, ठीक है, बंद कोण, और क्या लिखेंगे आप लोग इसकी ज्यामिति, ज्यामिति, ठीक है, ज्यामिति, और इसके चौथा क्या बना लेंगे आप लोग इसके एग्जांपल, ठीक है, चौथा क्या बना लेंगे आप लोग इसके एग्जांपल। अब आप लोग ऐसी टेबल बना लीजिए, इसमें संकरण पहला क्या होता है एसपी संकरण, ठीक है, एसपी संकरण के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। अब आपसे एसपी संकरण के जितने भी तत्व हैं उसका अगर बंद कोण आपसे पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा सम का बंद कोण, इसमें अभी हम आपको जो है एग्जाम्पल भी लिखाएंगे, तो 180 डिग्री उनका कोण हो जाएगा। जो एसपी संकरण के जितने भी आपके यौगिक हैं उन सब का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा। ज्यामिति इसके कितनी हो जाएगी, जो है इसकी ज्यामिति कितनी हो जाएगी, तो आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे लीनियर, ठीक है, ज्यामिति कैसी हो जाएगी इसकी, लीनियर हो जाएगी, मतलब जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर हो जाएगी, मतलब रेखीय हो जाएगी, रेखीय आप लोग लिख लीजिए, जो क्वेश्चन पूछा है ना कौन सा यौगिक रेखीय है, और आप लोगों ने ये सब चीज़ लिख ली ना, हमने आपसे क्या बताया कि आप लोग चार इसके कॉलम बनाइए, इसमें एक एक करके लिखिए, जो संकरण है उसमें आप लोग क्या लिखेंगे एसपी, ठीक है। अब बंद कोण जो एसपी संकरण के जितने भी आपके एग्जाम्पल आएंगे उनका अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें बंद कोण कितना होगा, तो 180 डिग्री हो गया, ठीक है, और इनकी ज्यामिति कैसी होगी, तो ये लीनियर होगी, रेखी होगी, ठीक है, रेखी मतलब क्या होता है एक ही लाइन में, रेखा में, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए, एग्जाम्पल क्या है इसके, एग्जाम्पल दो तीन लिख लेंगे आप लोग, तो एग्जाम्पल लिखेंगे CO2, दूसरा लिखेंगे BeCl2, तीसरा आप लोग लिख लेंगे C2H2, ठीक है, CO2, BeCl2, C2H2। अब आपसे पूछ लिया जाए कि CO2 का बंद जो कोण होता है वो कितना होता है, जो लोग समझ गए हैं वो लोग यहाँ पे बता सकते हैं आपसे, हम सीधा सीधा जो हमने अभी आपको टेबल लिखवाई है उसी में से आप लोग आंसर देंगे तो आपका हो जाएगा सही से। आपसे पूछा जाए CO2 का बंद ऑर्डर जो बंद कोण होता है वो कितना होता है, बॉन्ड एंगल जो होता है वो कितना होता है, तो आप लोग बता देंगे 180 डिग्री होता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी रेखा में एंगल जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का ही तो होता है ना, सीधी लाइन पे कितना एंगल बनता है, तो 180 का ही बनता है, ठीक है। तो जो जिनकी रेखी जो यौगिक होंगे उसका कोण कितना होगा, ऐसे ही आप लोग समझ सकते हैं, जो रेखी जो भी रेखी के एग्जाम्पल होंगे, जो भी यौगिक रेखी के एग्जाम्पल होंगे उनका कोण कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा, चाहे वो CO2 हो जाए, BeCl2 हो जाए, या फिर C2H2 हो जाए। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, उम्मीद करता हूँ आप लोग आज क्लास अच्छी लग रही होगी, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। CaC2 में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आज आपको यहाँ पे निकालना सिखाएंगे हम, तो सभी लोग ऐसे ही कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे। आज की क्लास में 50 क्वेश्चन हैं जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और GS के क्वेश्चन रखे गए हैं, सभी लोग अंत तक क्लास को देखेंगे तो बहुत कुछ इसमें आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। CaC2 में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं, तो आप लोग एक चीज़ नोट करके लिख लेंगे, एक चीज़ नोट करके लिखेंगे आप लोग, ठीक है। सभी लोगों ने कॉपी और पेन निकाल लिया होगा, कॉपी और पेन अगर निकाल लिया हो तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पे, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो हमेशा एक होता है, नोट करके लिख लीजिए, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो हमेशा एक होता है, ठीक है, हमेशा एक होता है, ठीक है, हमेशा एक होता है, सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक होता है किसी भी में, ठीक है। अब जो और बॉन्ड बच्चे वो आपके पाई बॉन्ड में आ जाएंगे, ठीक है, अभी हम आपको ये सब कुछ निकालना सिखा रहे हैं, ठीक है। आप लोग ये जान रहे होंगे कि CaC2 का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, ये तो आप लोगों को पता होगा ना, CaC2 का कार्बन और कार्बन के बीच तीन बॉन्ड होते हैं ना, कार्बन और कार्बन के बीच तीन बॉन्ड होते हैं, और CA यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है, CA यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ऐसा इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, CA ऊपर और C ट्रिपल बॉन्ड C। अब आप लोग एक चीज़ और नोट करके लिखेंगे कि जब सिंगल बॉन्ड बनता है केवल, जब एक बॉन्ड बनता है, यहाँ पे तीन बॉन्ड हो गए ना, तो आप लोग नोट करिए, जब एक बॉन्ड बनता है तब क्या होता है, जब एक बॉन्ड बनता है तो वो केवल सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है, एक बॉन्ड जब बनेगा तो इसमें क्या होगा, वो सिग्मा बॉन्ड होगा, और जब दो बॉन्ड बनते हैं तब क्या होता है, जब दो बॉन्ड बन गए तो क्या होता है, ये एक तो आपका हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और एक जो बचा ये आपका क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड,
अब आपसे पूछ लिया जाए, जैसे यहाँ पे तीन बॉन्ड बन गए हैं, तीन आपके बंद बन गए ना, तो इसमें क्या होगा? हमने आपको लिखा है ना नोट करके कि सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक होगा, सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक होता है, तो सिग्मा बॉन्ड इसमें एक ही रहेगा और दो बचे वो क्या हो जाएंगे, दो आपके पाई बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है, दो आपके पाई बॉन्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे तीन बॉन्ड बन रहे हैं ना, तो एक सिग्मा और दो पाई, एक सिग्मा और दो पाई। 11 नंबर क्या क्वेश्चन आपका क्या सही हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसमें हमने आपको क्या बताया, इसका स्ट्रक्चर अब अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग इसका आंसर बहुत जल्दी दे देते। हमने आपको बताया कार्बन और कार्बन के बीच तीन बॉन्ड बन गए, जिसमें एक सिग्मा, सिग्मा हमेशा एक ही होता है तो एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, और दो बचे वो कैसे हो गए, तो पाई बॉन्ड हो गए। तो इसलिए इसका आंसर क्या सही हो गया, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग केमिस्ट्री में डरेंगे नहीं, केमिस्ट्री कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो एक एक करके सभी चीज़ें आप लोग सीख सकते हैं। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आपको आ गया होगा, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, वो हमेशा एक होता है, और पाई बॉन्ड जो आपके बच गए वो पाई बॉन्ड हो गए। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग आराम से पढ़ते रहेंगे, एक एक करके सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे सिखा देंगे, बशर्ते आपको क्लास में डेली प्रेजेंट रहना होगा। ग्लोबर लवर यहाँ पे पूछा गया है, ग्लोबर लवर का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लोबर लवर, ठीक है, ग्लोबर लवर यहाँ पे पूछ रहा है, तो ग्लोबर लवर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, Na2SO4 और इसमें 10 आपके किसके अणु हो जाएंगे, तो ये आपके वाटर के, ठीक है, मतलब सोडियम सल्फेट, और 10 इसमें वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, तो D2O इसका फॉर्मूला होता है, और शुद्ध जल का क्या होता है, तो H2O होता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, मार्स गैस क्या है, तो मार्स गैस क्या होती है, मैथेन गैस को हम लोग मार्स गैस बोलते हैं, ठीक है, मैथेन गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं, METHANE मैथेन, ठीक है, मैथेन गैस को हम लोग मार्स गैस बोलते हैं। और इसके बारे में आप लोगों को क्या जानना चाहिए जो आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि CNG में मैथेन का यूज होता है या नहीं होता है, CNG में मैथेन का यूज होता है या नहीं होता है, तो आप लोग बताएंगे हाँ CNG में भी मैथेन का यूज होता है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि CNG में इनमें से किस गैस का यूज होता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि CNG गैस में इनमें से किसका यूज होता है, तो आप लोगों को ऑप्शन अगर CH4 वहाँ पे दिया है, मैथेन दिया है, तो आप लोग उसको सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एक एक करके सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है, लगभग 20 क्वेश्चन आपके आज केमिस्ट्री के रखे गए हैं, तो आप लोग ऐसे ही एक एक करके सारी चीज़ें सीख लेंगे। ठीक है, अब निम्न में सर्वाधिक अम्लीय आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है, अम्लीय आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बता दें, जो जितना केमिस्ट्री रट लेगा, जितना केमिस्ट्री याद कर लेगा, उसके उतने ही क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने आपको बहुत सारी चीज़ें भी लिखा दी इस वीडियो में, तो वो चीज़ अगर आप लोग समझ लेंगे तो दो क्वेश्चन कम से कम उससे पूछे जाते हैं हर एक में, ठीक है, हर एक साल दो क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन आपका ये आ गया, ठीक है, मतलब सर्वाधिक अम्लीय के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सर्वाधिक अम्लीय है, कौन कम अम्लीय है, तो अब आप लोग अम्लीय वाला भी सीख लेंगे। ठीक है, अब अम्लीय जानने के लिए आप लोगों को केवल एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो क्या चीज़ है, तो वो चीज़ है आपका इसमें बंद आपका जो होता है ना बॉन्ड ऑर्डर, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना बंद गढ़ के बारे में, या बंद कोट आप लोग इसको बोल सकते हैं, उसके बारे में पढ़ा है ना, तो अगर आप लोगों को वो चीज़ आती होगी तो आप लोग इसको निकाल लेंगे, अगर नहीं आती है तो जो चीज़ हम आपको नोट करवा रहे हैं वो नोट करते रहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ लिखना लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे खाली पेज नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरी की चीज़ें होती हैं आपकी, वो हम यहाँ पे क्वेश्चन में कवर करा रहे हैं आपको। निम्न में सर्वाधिक अम्लीय कौन होता है, तो सर्वाधिक अम्लीय जानने के लिए आपको किसी भी चीज़ का बंद जो ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है उसको, या फिर बॉन्ड की संख्या आप लोग कह सकते हैं, जिसमें जितनी ज़्यादा बॉन्ड की संख्या होगी वो उतना ही एसिडिक होगा, नोट कर लीजिए, नोट करके लिखिए, नोट करके क्या लिखेंगे आप लोग, नोट बनाएंगे और लिखेंगे, जिसमें ज़्यादा बॉन्ड बनते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं, ठीक है, जिसमें ज़्यादा बॉन्ड बनते हैं, केमिस्ट्री आपको याद करने से ही होगी, ठीक है, लिखते रहिए और इसको रिवीजन करते रहिए, जिसमें बॉन्ड, ठीक है, मतलब बंद जो होते हैं बॉन्ड, जिसमें बॉन्ड ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, जिसमें बॉन्ड ज़्यादा बनते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होगा। अब आप लोगों को पता होगा बॉन्ड हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ये पेज इधर हो सकता है, चलिए यहाँ पे, यहाँ थोड़ी जगह है, यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए, बॉन्ड जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या होता है, किसी अणु या आयन में दो परमाणुओं के जो बीच में
बनता है उसी को हम लोग बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। जो जैसे ये दो परमाणु हैं या ये दो परमाणु हैं, इनके बीच में जो भी बंध बनता है, जैसे भी हमने आपको बनाए नहीं थे ये, ऐसे सी और सी के बीच में तीन बॉन्ड बनाए थे, तो ये आपसे इसकी डेफिनेशन क्या है, किसी अणु या आयन में दो परमाणुओं के बीच, यहाँ पे एक परमाणु ये एक परमाणु ये, दो परमाणु के बीच में बने हुए बॉन्ड की संख्या को हम लोग बंध संख्या ही बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करेंगे, इसमें हम लोग बॉन्ड कैसे निकालते हैं, ठीक है, बॉन्ड हम लोग इसमें कैसे निकालते हैं, तो आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। एक तरफ आप लोग टेबल बना लीजिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या एक तरफ लिख लेंगे, एक तरफ आप लोग लिख लेंगे क्या, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, बी ओ हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है, आप लोग शॉर्ट में नहीं लिखेंगे क्योंकि भूल जाएंगे आप लोग। जो बंद कोट या बंद गढ़ या फिर बॉन्ड ऑर्डर आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, एक बीच में लाइन खींच लेंगे, अब यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, नीचे से शुरू करिए, 14 से लेकर के यहाँ पे 20 तक आ जाइए, ठीक है, 14 15 16 17 18 और 19 एक बच गया, आप लोग 19 लिख लेना, ठीक है, 19 यहाँ पे लिख दे रहे हैं 19, ठीक है। यहाँ पे इतनी चीज़ आप लोग लिखिए, ये ट्रिक होते ही हैं, ठीक है, ये ट्रिक हमने खुद बनाई है, तो आप लोग इसको सही से याद करेंगे, इसमें से आपका एक क्वेश्चन पक्का है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, हल्के में नहीं लेंगे, ठीक है, हल्के में नहीं लेंगे। अब 20 के आगे से देखना शुरू करिए, 8 19 पे 9 18 पे 10 18 के सामने 10 और 17 के सामने 11, ठीक है, 17 के सामने 11 16 के सामने 12 और 15 के सामने आपका क्या बचा, 9 10 11 12 13, ठीक है, 14 15 16 17 18 19 20 ये आपके हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 का आधा कितना होता है 4, ठीक है, 8 का आधा कितना होता है 4, ठीक है, और यहाँ पे कितना लिख देंगे आप लोग 7 और फिर कितना लिख देंगे 6, ठीक, बिल्कुल आप लोग लाइन में लिखते रहिए, 4 8 20 एक लाइन में होंगे, 7 9 19 एक लाइन में होंगे और 6 और 10 और 18 एक लाइन में होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 लिख दीजिए आप लोग 6 के इधर और यहाँ पे कितने लिखेंगे 5, ठीक है, 7 के आगे 5 3 और 1। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसमें 20 होगी उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है या जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 19 है, 19 वाले में कितना होगा 0.5, 18 वाले में 1, 17 वाले में 1.5, ठीक है, 16 वाले में 2 और 15 वाले में 2.5, ठीक है, 15 वाले में 2.5 और 14 वाले में 3, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे इतना चीज़ नोट हो गया होगा आप लोगों का, ठीक है, इतना चीज़ नोट हो गया, उम्मीद करता हूँ आप लोग इतना चीज़ समझ गए होंगे। आपसे यहाँ पे हमने दो चीज़ लिखवाई, केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या और बी जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, ठीक है। पहला आप लोगों को जब इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहाँ पे आप लोग नोट भी कर लें, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 तक हो उसके लिए ये चीज़ है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 तक हो तब हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे उसका ये है। और अभी हम आपको वो निकालना सिखाएंगे कि जब बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 से ऊपर होगी तब कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये चीज़ कैसे किसकी है, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 तक हो, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पे देख लेंगे, जिसमें जो है बॉन्ड जितना ज़्यादा बनेगा, मान लो जिसकी 3 वैल्यू आ गई उसका तो सबसे ज़्यादा होगा ना, तो वो अम्ली हो जाएगा सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक अम्ली कौन होगा, 3 वाला सर्वाधिक अम्ली होगा और 0 वाला सबसे कम अम्ली होगा, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे आप लोग, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है, C2H2 है, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो 15 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या है, C2H2। तो C2 में कितने आपके इलेक्ट्रॉन हैं, तो 6 और एक कार्बन में 6 होते हैं, 2 में 12 हो गए, ठीक है, और H में एक होता है तो 2 में 2 हो गए, 12 और 2 14, ठीक है, 14 किसका है, तो इसी का ही है, और सबके इसमें कम होंगे, तो वो चीज़ आप लोग यहाँ पे खुद देख लेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C2H2। अगर अभी भी आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी और दिन आपकी बहुत अच्छे से अलग से क्लास ले लेंगे, वहाँ से आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते ना, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट आपका चल रहा है। बेयर अभिकर्मक क्या है, बेयर अभिकर्मक क्या है, तो क्षारीय KMnO4 को हम लोग बेयर अभिकर्मक बोल देते हैं, ठीक है। क्षारीय जो KMnO4 होता है, KMnO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है, इसको आप लोग लिख सकते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी हैं, तो आप लोग लग रहा है बोर हो रहे हैं, तो अब आपको और ज़्यादा चीज़ें नहीं बताएंगे, आप लोग
अब आगे की चीज़ें जो है वो कल बताएंगे, ठीक है। आप लोग सीधे सीधे आंसर लिख लीजिए, क्योंकि एक दिन में जो है वो सब कुछ अच्छा नहीं होता है, आप लोग पचा नहीं पाएंगे इतना, ठीक है। जितना आपको मिल गया उतना आप लोग याद करेंगे, ठीक है। अब हम आपको धीरे धीरे कम करते जाएंगे। किसी बिलियन में विलेय की मात्रा वो तो आपकी जो है मोलर था, अगला क्वेश्चन है जो मोलर था क्या है, एक लीटर में मोलों की संख्या, ये हमने आपको बता दिया था, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन नोट कर सकते हैं अगर करने वाले हैं आप लोग कोई, तो बेयर अभिकर्मक का उपयोग किस में करते हैं, क्योंकि एक बार पूछा गया था कि बेयर अभिकर्मक का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानने के लिए बेयर अभिकर्मक का यूज कहाँ पे होता है, तो असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है उनको पहचानने के लिए। मोलरता एक लीटर में मोलों की संख्या को हम लोग मोलरता बोलते हैं। इसका पीडीएफ जो लोग लास्ट तक जुड़े रहेंगे उनको ही प्राप्त हो जाएगा। एक बार सभी लोग कमेंट कर देंगे जिससे हमें पता चल सके कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है, उनको पीडीएफ वगैरह हम लोग अभी प्रोवाइड कर दें। कैल्साइट किसका अयस्क है, तो कैल्साइट जो है वो आपका टिन का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, टिन, ठीक है। टिन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 50 होता है, ठीक। टिन का एटॉमिक नंबर जो है वो 50 होता है। सभी लोग कमेंट कर देंगे, एक बार ही कमेंट किया करें आप लोग तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे सबसे दुर्बल क्षार के बारे में पूछ लिया गया है, तो जो क्षार होते हैं वो आप लोगों को पता ही होगा क्या करते हैं। जो क्षार होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं जल में घुलकर। आप लोग नोट कर सकते हैं, अगर जो कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट है, सीरियस स्टूडेंट है, चाहे तो नोट कर सकते हैं आप लोग अगर बोर नहीं हो रहे हैं तो। सबसे जो दुर्बल मतलब क्षार क्या होते हैं, क्षार जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। हाइड्रोक्साइड को हम लोग OH- से दिखाते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्साइड को OH- आयन से हम लोग दिखाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोट करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है सभी के लिए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो फर्स्ट ए वर्ग के और सेकेंड ए वर्ग के जो लोग होते हैं हाइड्रोजन को छोड़कर, ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़कर फर्स्ट ए वर्ग के और सेकेंड ए वर्ग के जो भी होते हैं वो क्या बनाते हैं, तो वो प्रबल क्षार बनाते हैं, ठीक है। प्रबल क्षार बनाते हैं वो लोग, ठीक है। ये चीज़ नोट कर लिए होंगे, फर्स्ट ए और सेकेंड ए वर्ग के जो भी एलिमेंट होते हैं वो प्रबल क्षार बनाते हैं, और बाकी के जो भी प्रबल क्षार को छोड़कर दुर्बल क्षार बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट करेंगे आप लोग, जो प्रबल क्षार का गुण होता है वो वर्ग में नीचे जाने पर, ग्रुप में नीचे आने पर कम होता जाता है, ठीक है, कम होता जाता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रबल क्षार का गुण वर्ग में नीचे ऊपर से नीचे आने पर कैसा होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, या कोई फर्क नहीं पड़ता है उस पर, तो वो कम होता जाता है, ठीक है। अगर वर्ग में हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो क्षार का लक्षण कम होता जाता है, कौन से क्षार का, तो प्रबल क्षार का। और अगर किसी भी पीरियड में हम लोग बाएँ से दाएँ जाएंगे तो जो है दुर्बल क्षार का मान यहाँ पे बढ़ता जाता है, ठीक है। जो क्षार का मान यहाँ पे क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता होगा ना, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, आप लोगों को पता है ना, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम ये वर्ग में नीचे ही तो जा रहे हैं ना। तो वर्ग में नीचे जाने पर जैसे ये तीसरे पीरियड का है, ये चौथे पीरियड का है, ये भी चौथे पीरियड का है, तो जो तीसरे पीरियड का होगा वही तो सबसे दुर्बल क्षार बनाएगा ना। तो सबसे दुर्बल क्षार यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaOH, ठीक है। आप लोग अगर नहीं समझें तो इसको पीछे करके देख लीजिए, और तब भी नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार आप लोग ऑफलाइन कमेंट कर देंगे तो अलग से क्लास इसका ले लिया जाएगा थ्योरी का, यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते। एथिल अल्कोहल की क्रिया सांद्रित H2SO4 से होने पर क्या बनता है, जब एथिल अल्कोहल को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दो बार लगातार पूछा गया था एथिल अल्कोहल की क्रिया अगर हम लोग सांद्र H2SO4 से कराते हैं तो क्या बनता है, सांद्र H2SO4 से इसकी क्रिया कराने से C2H2 बनता है। C2H2 क्या होता है, एथाइन होता है, ठीक है। एथाइन का फॉर्मूला क्या होता है नोट कर लीजिए, CnH2n-2, ठीक है। आप लोग परेशान नहीं होंगे, दो क्वेश्चन और हैं बस। फिनॉल की क्रिया किसके साथ कराने पर बैकेलाइट बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पूरी केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा दिए, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो या फिर फिजिकल हो, सभी के यहाँ पे क्वेश्चन हैं। तो सभी लोग आप लोग यहाँ पे ऐसे ही डेली प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर सकते हैं। फिनॉल की क्रिया किसके साथ कराने पर बैकेलाइट बनता है,
तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अगर हम लोग बैकेल जो फिनॉल की क्रिया करा दें, फिनॉल और जो हाइड जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड होता है उसकी क्रिया कराने पर क्या बनता है, तो बैकेलाइड बनता है। ठीक है, इसको हम लोग SCHO को क्या लिख सकते हैं, CH2O, ये भी आप लोगों को कहीं कहीं लिखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कल हमारी कल वाली क्लास में एक दो क्वेश्चन गलत हो गए थे, इसलिए हमने कोशिश की है आज एक भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए। ठीक है, क्योंकि वो जब हमने आपको PDF दी तो बाद में सुधारना पड़ा था, तो आप लोग समझ सकते हैं थोड़ा बहुत प्रेशर रहता है आपके लिए, इतना जो सब कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत माइंड पे प्रेशर आ जाता है, तो एक दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो आज आपकी कोशिश की गई है एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नायलॉन क्या है, तो नायलॉन एक पॉलीएमाइड है। ठीक है, पॉलीएमाइड है। पॉलीएमाइड क्या होता है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ प्लास्टिक का ये होता है, पेच मापी का अल्पतमांक। अब तो सब लोग आंसर दे दीजिए, फिजिक्स के क्वेश्चन आ गए आपके यहाँ पे, फिजिक्स के क्वेश्चन सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दें, जो भी आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन देख करके भाग गए हैं वो लोग फिजिक्स के क्वेश्चन करने के लिए प्रैक्टिस कर सकें, इसलिए आ जाए। तो सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, कुछ लोग केमिस्ट्री की जो प्रैक्टिस हो रही थी तो वहाँ पे घबरा गए थे। पेच मापी का अल्पतमांक कितना होता है, पेच मापी का जो अल्पतमांक होता है, हमने आज आपके जो है क्लास का पढ़ाने के तरीके में कुछ चेंज किया है, तो ये चेंज आपको अच्छा लग रहा है या ख़राब लग रहा है वो आप लोग लास्ट में कमेंट करके बता सकते हैं, अभी चाहें तो अभी भी बता सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन करके कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, जिससे कि हम अगली वाली क्लास में इसको सुधार सकें। ठीक है, अगर आपको सही लग रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लग रहा है तो आप पहले जैसे पढ़ा रहे थे वैसे ही आपको पढ़ा देंगे। आज जो हमने आपको पढ़ाया है तो उसमें बहुत सारी अलग से जो जानकारी देनी थी वो हम आपको दे दी है, ऐसा किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं होता है। ठीक है, सीधे सीधे आंसर ही लगाए जाते हैं वहाँ पर, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं देता आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ से बहुत अच्छे सब कुछ तैयारी करवाई जा रही है। अब आप लोग समझें तो अच्छी बात है, और नहीं समझें तो आप लोग खुद उसका देख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, वैसे समझना चाहिए आप लोगों को, आपके लिए जो है वो अब क्या बोलें आपसे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, ये पेच मापी का अल्पतमांक क्या होता है, 0.01 सेंटीमीटर, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं, 0.01 मिलीमीटर। आप लोगों को पता होगा ना, एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं ना, एक सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ये सब चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, अगर ये आपको बहुत फ़ायदा देंगे ये चीज़। सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, चलिए 10 सेकंड इसमें आपको दे दे रहे हैं। ठीक है, 10 सेकंड केवल देंगे आपको। सुबह वाले जो स्टूडेंट थे वो सब लोगों को PDF मिल गया है, आज वाले जो भी स्टूडेंट लास्ट तक जुड़े रहेंगे उनको भी PDF हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। अभी सेकेंड लोलक का आवर्तकाल जो होता है वो 2 सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी पिंड पर लगे बल F का F तथा उत्पन्न त्वरण में संबंध क्या होता है। A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, A इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू F, A इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू F स्क्वायर, या A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F स्क्वायर। तो सभी लोगों को पता होगा ना फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, F इज इक्वल टू MA। ठीक है, हमने M मान लिया, ये कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो क्या होगा, हम जैसे जितना भी बल लगाएंगे उतना ही तो कोई चीज़ आगे बढ़ेगी ना। जैसे हमने मान लो आप में धक्का लगाया, अगर हम धक्का ही नहीं लगाएंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे। जैसे हम किसी भी गाड़ी में अगर धक्का लगा रहे हैं तभी तो वो आगे बढ़ेगी, तो जितना हम धक्का लगाएंगे उतना ही तो वो आगे बढ़ेगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए ए के। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए ए के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे ऑप्शन आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, मतलब जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ही तो उसका एक्सेलरेशन होगा ना, जितना हम उसमें फोर्स लगाएंगे मतलब धक्का लगाएंगे उतना ही वो आगे बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी डाइन सेंटीमीटर, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10^7 डाइन सेंटीमीटर, 10^7 डाइन सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कैसी होगी। सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसा ही आपसे पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन के फॉर्म में ये भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है यूपी गेटेड में। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करके आप लोग लिख लेंगे, सभी लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट करके लिखिए, सभी लोग नोट करके लिखिए। क्या नोट करके लिखेंगे, नोट करके क्या आप लोग लिखेंगे, किसी भी कोई भी हो या संवेग हो, यहाँ पे संवेग दोगुना किया होता या फिर वेग भी दोगुना कर दिया होता। ठीक है, तो एक ही दोनों में एक ही चीज़ लिख दीजिए, क्या आप लोग क्या लिखेंगे, वेग या संवेग, वेग या संवेग लिखिए सभी लोग। वेग या संवेग जो है लिख लिया आप लोगों ने, संवेग या वेग, या वेग या संवेग
का गुना करने पर गतिज ऊर्जा गुने का स्क्वायर हो जाती है। संवेग या वेग का गुना करने पर, गुना मतलब ये गुना कहाँ गया है, दो गुना या फिर कितना भी, संवेग या वेग का जितना भी गुना होगा गतिज ऊर्जा उसके भी स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, गतिज ऊर्जा उसका स्क्वायर हो जाएगी। जैसे अब यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे संवेग या वेग का जो किसी वस्तु का संवेग दो गुना कर दिया है ना, तो दो गुने का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चार गुना। ठीक है, चार गुना, तो चार गुना वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हमने क्या लिखा है, वेग या संवेग का जो है कितना भी गुना करने पर जो गतिज ऊर्जा होगी उस गुने के स्क्वायर के बराबर होगी, गुने के स्क्वायर के बराबर होगी। जैसे आप लोग समझ भी गए होंगे कि यहाँ पे संवेग और वेग दोगुना किया गया है, तो दोगुना का जो है स्क्वायर कितना होगा, चार गुना होगा, तो उसी के बराबर होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बॉयल्स का नियम क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्या, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉयल्स का नियम क्या होता है आप लोगों को पता होगा, इसमें क्या कॉन्स्टेंट रहता है, मतलब स्थिर क्या रहता है, कांस्टेंट क्या रहता है, तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, टेम्परेचर हमने आपको ग्रुप में सूचित किया था कि ऐसी आज की आज जैसी क्लास आपको कहीं मिल जाए तो हम लोग जो है वो अपना यूट्यूब चैनल बंद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ऐसे कोई पढ़ाता ही नहीं है, जैसे यहाँ पर आज आपके लिए यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वैसे कोई पढ़ाता भी नहीं है, क्योंकि हम भी पहले नहीं पढ़ाते थे ऐसे, क्योंकि लड़के टिकते ही नहीं है ऐसा पढ़ने के लिए। तो अब हमने सोचा है कि लड़के शायद टिक जाएँ, क्योंकि उनको कुछ ज़्यादा चीज़ देंगे तभी तो सिलेक्शन होगा ना, वैसे ही हवा में थोड़े नहीं सिलेक्शन हो जाता है कि ऐसे ही क्वेश्चन ले आओ और प्रैक्टिस कराते रहो, तो वैसे कुछ नहीं होता है। इसलिए आपको जब हमने 20 बच्चों का टारगेट रखा है तो उसके लिए हमें कुछ अलग करना होगा सबसे। ठीक है, तो आप लोग भी अगर अलग करेंगे ये सब कुछ जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बॉयल्स के नियम में ये पूछा गया था इसलिए नोट कर लिया, आपने नहीं कर पाए। बॉयल्स के नियम में क्या कॉन्स्टेंट रहता है, जो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है इसमें, और ये जो बॉयल्स का नियम होता है इसमें क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम को हिंदी में क्या बोलते हैं, शायद घन उसको बोलते हैं, वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, तो आप लोग वॉल्यूम ही समझेंगे। ठीक है, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, बॉयल्स के नियम में दो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे केवल याद करिए, बस दो क्वेश्चन क्या याद करेंगे, बॉयल्स के नियम में क्या स्थिर रहता है, तो टेम्परेचर मतलब ताप स्थिर रहता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम जो होता है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, फ्लक्स सिस्टम में सिद्धांत कार्य करता है, फ्लक्स सिस्टम में जो है कौन सा सिद्धांत कार्य करता है, तो सायपंद दाब का सिद्धांत इसमें आपका कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, ब्रूस्टर का नियम क्या है, ब्रूस्टर का नियम है, आप लोग नोट कर लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 सेकंड केवल आपके लिए, ब्रूस्टर का नियम जो है वो क्या होता है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, इसको आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये एन कॉट आई पी इज इक्वल टू वन, ये इसका आंसर सही होता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग, गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है, गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है, सभी लोगों को ये पता होना चाहिए जो गुप्त ऊष्मा होती है वो क्या होती है, अगर नहीं पता है तो आप लोग नोट कर सकते हैं। अवस्था परिवर्तन होते समय जो ऊष्मा दी जाती है उसको हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे कोई भी सॉलिड से अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो जब वो ऊष्मा दी जा रही है, सॉलिड से लिक्विड को चेंज कराने वो ऊष्मा दी जा रही है, उसी को हम लोग गुप्त ऊष्मा बोल देते हैं। ठीक है, अब गुप्त ऊष्मा का ये कैसी राशि है, अदिश है या सदिश, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है ये। अगला क्वेश्चन, ये व्युत्पन्न है, व्युत्पन्न नहीं है, ठीक है, मूल राशि नहीं है, व्युत्पन्न है। अगला इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसका जो है वो फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि फॉर्मूला जब आपको पता होगा तभी तो आप लोग इसका जो है वो मात्रक निकाल पाएंगे। तो गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला याद कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ऊष्मा बट्टे द्रव्यमान, मतलब ऊष्मा अपॉन द्रव्यमान, ऊष्मा अपॉन में द्रव्यमान। ठीक है, ऊष्मा अपॉन में द्रव्यमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को पता होगा कि ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, एम के एस में जूल होता है, और सी जी एस में क्या होता है, तो कैलोरी होता है, और द्रव्यमान पर किलोग्राम और ग्राम, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ये एम के एस में है, और सी जी एस में आप लोग नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, सी जी एस में कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है,
सीजीएस में ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यदि समतल दर्पण पर किरण लंबवत आपतित होती है, यदि समतल दर्पण पर किरण लंबवत आपतित होती है तब परावर्तन कोण कितना होगा। अगर समतल दर्पण पर किरण जो किरण होती है वो लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। जैसे लंबवत आ रही है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा ये पूछ रहा है आपसे, तो 0 डिग्री वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री वहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। और विचलन कोण कितना होगा तो 180 डिग्री विचलन कोण हो जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री आपका विचलन कोण। ठीक है, आपसे दो क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए कि यदि समतल दर्पण पर किरण लंबवत आपतित होती है तो 0 डिग्री, और अगर आपके जो है परावर्तन कोण कितना बनेगा 0 डिग्री, और यहाँ पे दूसरा कोण विचलन कोण कितना बनेगा तो 180 डिग्री बनेगा। अगला कोण जो है क्वेश्चन देख लेंगे, कोण नहीं क्वेश्चन देखेंगे, यदि क्रांतिक कोण का मान 45 डिग्री हो तब अपवर्तनांक होगा। यदि क्रांतिक कोण का मान 45 डिग्री हो तब अपवर्तनांक होगा, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में क्या संबंध है, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में क्या संबंध है। तो अपवर्तनांक बराबर, आप लोग नोट करिए, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, यहाँ पे नोट कर लीजिए, 1/sin c, 1/sin c, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, 1/sin c। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जब 45 डिग्री क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण यही है ना, सी फॉर क्रांतिक कोण। ठीक है, सी फॉर क्रांतिक कोण यहाँ पे नोट कर लीजिए, सी यहाँ पे क्या है तो क्रांतिक कोण है, तो 1/sin c मतलब 1/sin 45, ऐसा ही तो होगा ना, 1/sin 45, इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक बराबर 1/sin c होता है ना, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, 1/sin c इसका राइट आंसर 1/√2। ठीक है, 1/√2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ML-1 T-2 बिमी सूत्र नहीं है, ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, ये इसलिए हो गई है क्योंकि आज आपको सभी जगह से अलग पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे ही पढ़ने के इच्छुक होंगे तो कल से ये कंटिन्यू की जाएगी, अगर ऐसे पढ़ने के इच्छुक नहीं होंगे तो कल से फिर क्लास जैसी चल रही थी वैसी चला दी जाएगी। ML-1 T-2 आज आपसे कुछ भी बातें भी नहीं किए हम, तो आज केवल आपको पढ़ाया गया है। आपको पता होना चाहिए जो दाब का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्योंकि फॉर्मूला जब आपको पता होगा तभी तो इसका आप लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं ना। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, अब फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है, ML T-2, और एरिया की कितनी होती है तो L2। ठीक है, एरिया बराबर L2 ही तो होगा, तो एक L से एक L कट जाएगा यहाँ पे, ये L जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या इसकी डायमेंशन आ जाएगी, ML-1 और T-2। ठीक है, ये ML-1 T-2 दाब का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है कि किसका नहीं होता है, तो दाब का होता है, प्रतिबल का भी होता है, लेकिन शक्ति का नहीं होता है। शक्ति का क्यों नहीं होता है, इसका पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है ना, तो वर्क का डायमेंशन क्या होता है, ML2 T-2, और यहाँ पे जो टाइम का होता है टी, तो एक टी यहाँ पे ऊपर जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर जाएगी तो माइनस का ही तो होगा ना, तो माइनस का बन, तो ML2 T-3 इसका डायमेंशन हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे ना यहाँ पे, कि अगर आप लोगों को डायमेंशन नहीं निकालना आता है तो एक वीडियो हम ऑलरेडी इस पर बना चुके हैं, तो आप लोग देख सकते हैं उसको। निम्न में गलत संबंध कौन सा है, इनमें से गलत संबंध कौन सा है, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे, राइजोबियम कल्चर, ये कल वाला ही आ गया है। तो राइजोबियम कल्चर के आप लोगों को पता होगा कि 200 ग्राम का एक पाउच होता है इसका, उस वो 10 किलो जो है, यहाँ पे क्या पूछा, राइजोबियम कल्चर की कितनी मात्रा 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करने, ये 10 किलोग्राम के लिए होता है। ठीक है, अब 1 किलोग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 10 ग्राम के लिए जब इतना है तो 1 किलोग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 200/10, तो यहाँ पे 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और अब जीएस के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए अगर क्लास अच्छी लग रही है, आपके साथ वाले जो भाग चुके हैं वो यहाँ पे आ जाएं जीएस के क्वेश्चन करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट और इसमें लगाएंगे और क्लास को ख़त्म करते हैं। भारत के साथ सबसे छोटी थल सीमा कौन लगाता है, आप लोगों को पता होगा ना कि भारत के साथ सबसे छोटी थल सीमा कौन बनाता है,
अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। यहाँ पे हम अभी आपको यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोगों को पता होगा जो इंडिया के पड़ोसी देश हैं वो कितने हैं, यहाँ पे आप लोग नोट कर लेंगे। इंडिया के पड़ोसी देश जो है, हमारे पड़ोसी देश आप लोग नोट कर लीजिए, सभी आपके सिलेबस में ही है। इंडिया के पड़ोसी देश कितने हैं, तो 9 पड़ोसी देश हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये क्लियर हो गया, इंडिया के पड़ोसी देश टोटल कितने हैं, तो 9 पड़ोसी देश हैं। दूसरा क्वेश्चन, जो स्थल की सीमा बनाते हैं मतलब थल सीमा बनाने वाले कितने देश हैं, तो 7 स्थल सीमा बनाने वाले देश हैं, और 2 कैसे हैं, वो जल से के सीमा बनाते हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, ऐसा आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, आपसे बार बार बता रहे हैं तो आप लोग इसको, आपके सामने तो है नहीं अभी हम, ठीक है, हम देख तो पा नहीं रहे क्योंकि आपके लिए बहुत इतना मेहनत किए हम, इसको इतना सर्च करके आपके बता रहे हैं, तो आप लोग जो हम बता रहे हैं वो आप लोग मानिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। हमने क्या बताया इसमें, हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन कवर करा दिए, जो 50 क्वेश्चन थे इसमें 150 तो हमने आपको शुरुआत में बताए थे, तो 150 से ज़्यादा ही कवर हो जाएंगे, आप लोग लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो, ठीक है। हमने आपको क्या बताया क्वेश्चन कि भारत के टोटल पड़ोसी देश कौन से हैं, तो 9 हैं। 9 के नाम लिखेंगे, आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, 9 के नाम, पाकिस्तान आप लोग शॉर्ट में लिख लीजिए, अगर ये बाद में आप लोग अपना बाद में लिख लेंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। अब श्रीलंका और मालदीव जो दो हैं वो आपके जो है, श्रीलंका और मालदीव जो दो हैं वो आपके क्या है, जल के साथ सीमा बनाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जल के साथ सीमा साझा करने वाले इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो श्रीलंका और मालदीव, ठीक है, श्रीलंका और मालदीव। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे छोटी स्थल सीमा कौन बनाता है, तो अफगानिस्तान बनाता है, कितना किलोमीटर, 106 किलोमीटर, ठीक है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 106 किलोमीटर ये लगाता है, बनाता है सीमा। और सबसे ज़्यादा कौन बनाता है, तो बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश कितनी बनाता है, 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर, ये आपके नॉलेज के लिए है, कितना कितना ये बनाते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार यूपी का स्थान कौन सा है, तो क्षेत्रफल के अनुसार सभी लोगों को पता होगा यूपी का स्थान 4th नंबर का है क्षेत्रफल के हिसाब से, और जो है पहला नंबर किसका है, तो फर्स्ट नंबर राजस्थान का है, ये आप लोग नोट कर लीजिए, फर्स्ट नंबर राजस्थान का है। दूसरा नंबर है एमपी का मतलब मध्य प्रदेश का, तीसरा नंबर है महाराष्ट्र का, और चौथा नंबर आपका यूपी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, सबसे पुरानी पर्वत जो श्रृंखला है वो आपकी हिमालय की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, भारत में 40 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे ये 30 लग गया है, 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में डाक विभाग तथा लोक कार्य विभाग की स्थापना किसने की थी, तो लॉर्ड मेयो ने की थी। अब आपसे पूछ लिया जाए कब की थी, तो 1854 में की थी, ठीक है, 1854 में की थी। आज जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो थक गए होंगे लिखते लिखते, तो कुछ नहीं होगा, आप लोग ऐसे ही लिखते रहिए, क्योंकि ये आप लोग 40-45 दिन मेहनत कर लेंगे तो आप लोग अगली जो है क्लास में मतलब BSc करेंगे जाके अच्छे कॉलेज से, तो वहाँ आपको कुछ ना कुछ आराम मिलेगा, और जो नहीं इतना मेहनत कर रहा है लिख नहीं रहा होगा तो अगली साल फिर कहीं पे ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ेगा जाके, ठीक है। जितनी भी आपको जानकारी दी जा रही है वो आप लोग सही से यहाँ पे लिख लेंगे। प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य, प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य, ये आप लोग आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर देंगे एक बार, जिससे हमें पता चल जाए कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है। एक बार फिर जो है एक और बार हम आपसे बोलेंगे, तो आप लोग सभी लोग यहाँ पे बताएंगे कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है, जिससे कि हम आपको PDF प्रोवाइड कर सकें। सभी लोग आंसर वो कमेंट करेंगे कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है, केवल 10 सेकंड आप लोगों को देंगे बस। चलिए, सभी लोग कमेंट कर दिए होंगे, एक ही बार में कमेंट किया करें आप लोग। अब यहाँ पे नोट करिए सब लोग, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मतलब प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र आपसे पूछा जाए तो मिजोरम हो जाएगा, और अगर एरिया वाइज पूछ लिया जाए तो ये MP जो है वो एरिया वाइज है, ठीक है, मतलब क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन किस में पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, और प्रतिशत के अनुसार किस में पाए जाते हैं, तो वो मिजोरम में पाए जाते हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, जो नेपा नगर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, दार्जिलिंग किस राज्य में है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सभी क्वेश्चन, ठीक है, जो GS के क्वेश्चन है वो हम पूछे हुए क्वेश्चन लेके आए हैं। दार्जिलिंग जो है वो आपकी वेस्ट बंगाल में है। अगला क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो GS के क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं GS कैसे आपसे पूछी जाती है,
तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि जीएस के लिए क्या पढ़ें, तो पीएमसी श्रृंखला एक आती है, पीएमसी श्रृंखला आप लोग किसी भी बुक स्टॉल पे मांगेंगे जाके 40 रुपए के लगभग की आएगी, तो वो आप लोग उसके लिए पढ़ सकते हैं। बैंकों के द्वितीय राष्ट्रीयकरण में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था। ऑप्शन नंबर क्या इसका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात वाला लिंगानुपात कितना था, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थीं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 1000 देशियों पर 943 महिलाएं थीं। ये पुरुष होते हैं और ये जो है वो महिलाएं होती हैं, ठीक है, ये फीमेल और ये मेल, ठीक है, ये मेल। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत गाने का समय कितना, 52 सेकंड, नहीं ये 52 सेकंड तो राष्ट्रीय गान होता है, ठीक है, राष्ट्रीय गान जो होता है हमारा जनगणमन, उसको हम लोग 52 सेकंड में ख़त्म करते हैं, लेकिन जो आपका राष्ट्रीय गीत होता है वंदे मातरम, आपसे पूछ लिया जाता है राष्ट्रीय गीत कौन सा होता है, तो वंदे मातरम होता है, इसको 63 सेकंड में हम लोग ख़त्म करते हैं। किसने लिखा, तो बंकिम चंद चटर्जी ने लिखा था, ठीक है, बंकिम चंद चटर्जी ने इसको लिखा था। अगला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने आपका वो लिखा था राष्ट्रीय गान, मोहन जोदड़ो किस नदी पर स्थित है, मोहन जोदड़ो किस नदी पर स्थित है, ये आपने मूवी भी शायद देखी होगी, तो ये सिंधु नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका क्या है, बी ऑप्शन सही है। और धीरे धीरे हम लोग आज आ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, भारत में सबसे आखिर में कौन उपनिवेश आए, तो सबसे लास्ट में कौन आए थे, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज या फिर डेनिस, तो सबसे लास्ट में जो आए वो आपके पुर्तगाली थे, ठीक है, सबसे लास्ट में पुर्तगाली थे। अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बुक वगैरह से भी पूछे जाते हैं, तो ये हम आपको बता ही चुके हैं सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। सर्वेंटस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, सर्वेंटस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की। अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार किन अनुच्छेद में रखे गए हैं, मूल अधिकार किस अनुच्छेद में रखे गए हैं, तो 12 से 35 में रखे गए हैं, लेकिन जो आपके माने जाते हैं वो 14 से 32 में ही माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अगर 14 से 32 नहीं दिया हो तब आप 12 से 35 लगा सकते हैं, ठीक है। और चलिए अब आपकी क्लास आज यहीं तक थी, आज आपकी क्लास 1 घंटे से ज़्यादा की हो गई, तो आप लोग के लिए ये क्लास की गई है, क्योंकि इसमें हमने आपको 100 की बजाय जो 50 की बजाय 150 के लगभग क्वेश्चन हमने करा दिए, ठीक है, तो 150 क्वेश्चन के लगभग आप लोग 1 घंटे 60 मिनट नहीं देंगे तो कैसे आपका काम चलेगा, ठीक है। पर क्वेश्चन आप लोगों को 30 सेकंड से भी कम मिले तो आप लोग सोच सकते हैं आपके लिए यहाँ पे कितना कुछ किया जा रहा है। ये हमारा सुपर 20 बैच चल रहा है नॉलेज प्लाजा के द्वारा, लास्ट तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए थे वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा आज। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आप लोग आज हमारे जो है ये ज़रूर इसमें कमेंट करके बताएंगे, ऑफलाइन कमेंट जितने भी लोग लास्ट तक जुड़े हैं, एक बार सभी लोग कमेंट भी कर दें लास्ट में जो भी जुड़े हैं, जिससे हम PDF अभी उनको प्रोवाइड कर दें, और PDF आपको 30 सेकेंड बाद मिलेगी, 30 मिनट बाद मिलेगी, ठीक है, 30 मिनट बाद मिलेगी क्लास के, 30 मिनट के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए जो जो प्रेजेंट हैं यहाँ पर, उनको हम PDF वगैरह प्रोवाइड कर सकें, और आप लोग जो लास्ट तक जुड़े रहे वो लोग हमें ये कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि वो लोग हमें पता है कि कितने मेहनती इंसान होंगे जो लास्ट तक यहाँ पे जुड़े रहे हैं, कितने सीरियस होंगे अपने सिलेक्शन के प्रति, तो वो ही हमको ये बताएंगे कि आज की क्लास आपको रोज़ जैसे, मतलब रोज़ के कंपेयर करें, डेली का क्लास का कंपेयर करें, तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी या ख़राब लगी, ठीक है, आज की क्लास अच्छी लगी या ख़राब लगी, आप लोग आज जैसा ही पढ़ना चाहेंगे या डेली हम जैसा पढ़ा रहे थे वैसा पढ़ना चाहेंगे, इस बात का आप लोग हमें आंसर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। कम से कम 30 लोग इसका बात का आंसर देंगे, आज की क्लास कैसी लगी, ठीक है, क्योंकि हम लोग आपसे ही रिव्यू मांगेंगे और कोई यहाँ पे थोड़ी नहीं रिव्यू देगा, आपको पढ़ना है तो आप लोग हमें बताएंगे और वैसा ही आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए अब आपको मिलते हैं कल सुबह क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।